तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पार्ट टू। कह सकते हैं ना हम पार्ट टू हमारी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने आपको बताया था रेमेडीज नोन एज। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को जो हमने पढ़ा था कि रेमेडीज विच आर नोन एज। हमने पहले 10 रेमेडीज कर ली थी, अब आगे की 10 रेमेडीज और करेंगे। सो अभी हम करते हैं द करेक्टर ऑफ ब्लड डिस्क्रेसिया। डिस्क्रेसिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हमारी जो मेडिसिन जाएगी वो होती है एकिनेशिया। एकिनेशिया बहुत अच्छी रेमेडी है होम्योपैथी में, आपको विलियम बोरिक में मिलेगी ये रेमेडी। अगर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ब्लड पॉइजनिंग हो रही है या कोई भी सेप्टिक कंडीशन आ रही है जहाँ पे आपके अल्सर्स बन रहे हैं, फाउल डिस्चार्जेस होते हैं, तो उस केस में आप एक्नीशिया को देते हो। जहाँ पे भी ब्लड रिलेटेड आपको कोई भी अबनॉर्मेलिटी दिखती है, कोई डिस्क्रेसिया वाली कंडीशन आती है या डिरेंजमेंट आती है, तो आप उसमें देंगे एक्नीशिया को। ठीक है, अच्छा, एक्नेशिया के बाद आपकी आती है कि ह्यूमन बैरोमीटर किसको बोलेंगे। बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर वही है जो आपके प्रेशर को मापने में हेल्प करेगा, है ना। तो ह्यूमन बैरोमीटर दो मेडिसिन्स हैं, एक आपको दी है बोगर के अकॉर्डिंग है और एक आपकी है फाटक के अकॉर्डिंग। तो एक होती है जो फोस है, फॉस्फोरस, ये बोगर ने कहा है कि आपकी जो ह्यूमन बैरोमीटर है वो फोर्स है, पर हमारे जो ये है फाटक साहब है, फाटक साहब ने मर्क्यूरियस को बताया है आपका ह्यूमन बैरोमीटर। तो ह्यूमन बैरोमीटर फोस्फोरस और मर्क्यूरियस तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रेमेडी होती हैं। कोई भी एक्सटर्नल आपका इंप्रेशन पड़ता है इनके ऊपर, कोई भी जैसे लाइट है, टच है, स्मेल है या इलेक्ट्रिकल कुछ आ रहा है इफेक्ट, तो उससे ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाती है, इसलिए हम इनको ह्यूमन बैरोमीटर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर बोलते हैं ह्यूमन थर्मोमीटर किसको बोलेंगे। सीधा सीधा पूछ लेते हैं ह्यूमन थर्मोमीटर कौन है, तो एक ही रेमेडी है होम्योपैथी में, बोरिक मटेरिया मेडिका में। अगर आप उसका थेरेपेटिक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज में दे रखा कि ऑल्सो ह्यूमन थर्मोमीटर कौन सी है, मर्क्यूरियस या मर्कसोल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये बोरिक में एज इट इज लाइन दे रखी है। अच्छा, इसके बाद हमारी रेमेडी आती है डिजिटेलिस ऑफ लंग्स। आपने डिजिटेलिस के बारे में पढ़ा है, हार्ट रेमेडी बोली जाती है ना। ठीक है, तो हम लंग्स के लिए अगर डिजिटेलिस बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। जैसे हमारे डिजिटेलिस हार्ट के लिए है, वैसे लंग्स के लिए भी तो कोई ऐसी रेमेडी होगी ना जिसको हम बोलते हैं रामबाण है इसकी। तो डिजिटेलिस ऑफ लंग्स बोलते हैं एस्पिडो स्पर्मा को, एस्पिडो स्पर्मा। ये नाम बच्चों ने ना एस्पिडोस्पर्मा का कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आप ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो आप एस्पिडोस्पर्मा दे दो। क्यों दे दो? ठीक है, मुझे याद है मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ था HMO का, उसके लिए मेरे से जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था कि आप एस्पिडोस्पर्मा को कोविड में क्यों दे रहे थे। क्योंकि ये डिजिटेलिस ऑफ लंग्स कहलाती है। क्यों कहलाती है? ये ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ाती, ये कोई बाहर से आपको एटमोस्फेरिक या फिर कह दो कि एसेंशियल आपको ऑक्सीजन नहीं देती है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा काम ये करती है कि जो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जब कम हो रहा होता है तो जो पाथवे है, ठीक है, टेम्परेरीली उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, जो भी आपकी कोविड की कंडीशन है, एस्थमेटिक कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन में आपका जो ऑक्सीजन पास होने के लिए जो पाथ है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलेगी, यानी जो ल्यूमिन है आपका रेस्पिरेटरी पाथ के लिए, ये उसको ओपन करने का काम करता है एस्पिडोस्पर्मा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कह सकते हो कि और जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है उसका ऑक्सीडेशन जो होता है उसको भी इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, उन दोनों कंडीशन में आपका जो O2 लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। एस्पिडोस्पर्मा कभी भी बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता, हाँ ये उस रास्ते को खोल देता है जहाँ से आपका ऑक्सीजन जाना चाहिए। ठीक है, तो एस्पिडोस्पर्मा को हम बोलते हैं डिजिटेलिस ऑफ लंग्स। फिर बोलते हैं डिजिटेलिस ऑफ किडनी किसको बोलेंगे। रीनल कंप्लेंट्स में भी तो जैसे हमारा हार्ट के लिए है, लंग्स के लिए हमने एक बोल दी कि ये रेमेडी बहुत अच्छी है, अस्थमा में बहुत अच्छी होती है वैसे एस्पिडोस्पर्मा, तो डिजिटेलिस ऑफ किडनी आप किसको बोलेंगे। डिजिटेलिस ऑफ किडनी होती है सॉलिडेगो। सॉलिडेगो हमने पीछे भी पढ़ा है पुरानी वीडियो में, किस लिए कि ये आपके कैथेटर के यूज़ को ही
अननेसेसरी करार कर देती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका जो एक्शन होता है वो रीनल सिस्टम में बहुत अच्छा होता है, किडनी वाले में, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट वाले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नक्स वोमिका सिम्टम्स इन फीमेल्स। अगर हम लोग नक्स वोमिका रेमेडी को पढ़ते हैं, अगर उसके मेंटल्स पढ़ोगे, उसकी जो ड्रग पिक्चर पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि ठीक है, आपके माइंड में एक आदमी आएगा, ठीक है। जब भी हम लोग नक्स वोमिका को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक आदमी की इमेज आती है जो कि रेगुलर अपने काम पे जा रहा है, आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा है, इरिटेबल सा है, कॉफ़ी चाय पी रहा है, अच्छी ऐश की ज़िंदगी ले रहा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है, बट उसका एक टाइम फिक्स है, शेड्यूल, ऑफिस गोइंग मैन जो होते हैं, तो एक दिमाग में इमेज आती है आदमी की, पर कभी औरत की नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि औरत के जो सिम्टम्स हैं नक्स वोमिका के, अगर आप देखोगे सारे सिम्टम्स, वो आपको मिलते हैं ग्रेटियोला में, बोरिक के इंट्रोडक्शन में। ग्रेटियोला मेडिसिन जो है, ऑफिसनैलिस इसका पूरा नाम होता है, ऑफिसनैलिस। बोरिक में अगर आप इस रेमेडी को देखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में दो तीन लाइनों के बाद ही लिखा हुआ है कि नक्स वोमिका सिम्टम्स इन फीमेल्स कैन बी सीन इन दिस रेमेडी। तो नक्स फीमेल नक्स वोमिका जो होती है वो आपकी ग्रेटियोलिया होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि कैमोमिला ऑफ क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, तो ये भी आपकी ग्रेटियोला ही होती है, ग्रेटियोला ऑफिसनैलिस। अच्छा, उसके बाद एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, एल्यूमिना, ठीक है। फिर कार्बोवेज ऑफ सर्जन। वैसे कार्बोवेज किस लिए यूज़ होती है? जनरली कोई भी पेशेंट है, शॉक में जा रहा है, शॉक का मतलब करंट लगने वाला नहीं, शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसे होता है ना, फ्लूइड बॉडी का सारा कम हो गया है, ठंडा पड़ गया है शरीर, प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्किन एकदम कोल्ड एंड क्लेमी हो गई, ये कार्बोवेज के सिम्टम्स होते हैं। हम लोग जनरली देते हैं, जैसे जब पेशेंट लास्ट स्टेज में होता है तो उसको एज अ पैलिएटिव केयर देते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि कार्बोवेज ऑफ सर्जन, सर्जन्स के लिए कार्बोवेज कौन सी है, भाई सर्जरी हो गई है उसके बाद भी आप होम्योपैथी एडमिनिस्टर कर सकते हो। अच्छा, फॉस्फोरस एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छी होती है, अगर आप सर्जरी कराने जाते हो तो उससे पहले आपको दी जाती है, ठीक है। फॉस्फोरस बहुत अच्छी रेमेडी उस चीज़ के लिए, तो ये बाकायदा यूज़ भी होती है। कई अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं बिफोर अंडरगोइंग एनी सर्जरी, जो कि फॉस्फोरस होती है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कार्बोवेज ऑफ सर्जन हम जो बोलते हैं रेमेडी, वो आपकी स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिका, स्ट्रॉन्शियम कार्ब। ये जो मेडिसिन है ये आपको वैसे कैंट की जो मटीरिया मेडिका है उसमें मिलेगी, क्योंकि हमारे कैंट जो थे डॉक्टर कैंट साहब, उन्होंने ये मेडिसिन दी थी कि कार्बोवेज ऑफ सर्जन होती है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट शॉक में चला जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेमरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का ऊजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लग जाएगा, उसकी वजह से कोल्डनेस एंड प्रोस्ट्रेशन आ जाएगी, तो उस केस में हम स्ट्रॉन्शियम कार्ब रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। लास्ट, इस वीडियो की लास्ट जो रेमेडी आती है, द वेदर कॉक अमंग रेमेडीज। अच्छा, वेदर कॉक होता क्या है? वेदर कॉक, वेदर कॉक हम उनके लिए यूज़ करते हैं टर्म जो लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें ऐसे बदल जाते हैं। कैसे बदल जाएंगे कि ठीक है अभी कुछ थे फिर कुछ हो गए, तो बड़े धोखेबाज किस्म के लोग हो गए ना ये। तो इसमें जो आपके बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी आती है वो आती है पल्साटीला, पल्साटीला। पल्साटीला क्यों आती है? अगर आप पल्साटीला को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि उनकी जो आज जो सिम्टम है, अभी जो सिम्टम है, आप जब दोबारा देखते हो तो वैसा मिलता ही नहीं है। अभी बहुत अच्छा भला है, बाद में आपको एकदम बिगड़ा हुआ केस मिलेगा, है ना, पल्साटीला की ये कहानी होती है। अभी जो है कल वो नहीं है, कल जो है वो परसों नहीं है, तो ये बहुत वेदर कॉक टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी और 10 रेमेडीज, पार्ट 2 था ये आपका कि रेमेडीज विच आर ऑल्सो नोन एस का। इसके बाद हम एक पार्ट और बनाएंगे, थर्ड पार्ट, जिसमें जो बची हुई रेमेडीज़ हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके वाइवा पोर्शन के लिए मटीरिया की ये रेमेडीज़ भी आप कर लेंगे ना, तो भी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं कल को वाइवा में बैठ सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम में बैठ सकती हूँ। तो मेरी मानिए, इस वीडियो को ज़रूर आगे से आगे पहुँचाइए और पढ़िए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।